कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की चाकू से गोद कर की हत्या करने को लेकर हरियाणा में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह पर पुतले फूके जा रहे हैं और नारेबाजी कर आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। फरीदाबाद और गुरुग्राम से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए रोष जताया। आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। इसके साथ ही उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। पहली तस्वीरें फरीदाबाद की देखिए। यहां हाथों में झंडा लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतले फूके जा रहे हैं। नौजवान हर्षा का मुस्लिम कट्टरपंथियों ने चाकू गोद कर जो हत्या करी, उस हत्या के विरोध में उन हत्यारों को सख्त से सख्त फांसी की सजा हो, इसके विरोध में पूरे हरियाणा के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज अपना रोष प्रदर्शन कर रही है और साथ साथ ये चेतावनी भी दे रही है कि अगर ये समाज जो अपने आप को शांति प्रिय समाज कहता है ये नहीं सुधरा तो हिंदू खड़ा होगा, हिंदू उठेगा और हिंदू इनका समूल नाश करेगा। एक पुराना गीत है, जागे थे प्रताप शिवाजी, भग गए सारे मुल्ला काजी। जो देश विरोधी मुस्लिम है, जो देश के साथ यहाँ का नमक खाते और भारत को गाली देते हैं, ऐसे मुसलमानों की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे मुसलमानों की हमें जरूरत नहीं है जो वंदे मातरम नहीं कहते, जो भारत माता की जय नहीं बोलते। आज हिंदू अपने आप को पुनः खड़ा कर रहा है कि मैं अब उस हर चीज का, अन्याय का विरोध करूंगा जो हिंदू के ऊपर आक्रमण करेगा, हिंदू नौजवानों के ऊपर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हिंदू अब अनेक नहीं, हिंदू एक है। फरीदाबाद के जैसी तस्वीरें गुरुग्राम में भी देखने को मिली। यहां भी लोगों में वही गुस्सा और वही रोष देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतरे, पुतला फूका और नारेबाजी की। इसके साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की गई। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने मिलकर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जो प्रोटेस्ट किया, जो कर्नाटक के अंदर और देश के अन्य हिस्सों में भी जिस प्रकार से इस्लामिक जिहाद पनप रहा है और हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हमने प्रोटेस्ट किया कि उस अत्याचार को बंद किया जाए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हिंदू चुप नहीं बैठेगा, हिंदू किसी भी हाल में अपने भाइयों की शहादत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो हमारे कार्यकर्ताओं को, बजरंगदल कार्यकर्ताओं कर को मारा जा रहा है दिन रात, पूरे वहाँ पर के बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी वहाँ पर कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, बजरंग दल को, ये सहन नहीं करेगा बजरंग दल। आने वाले टाइम पर ये ना सोचे कि वहीं पर मुसलमान रहते हैं, पूरे भारत में मुसलमान रहते हैं यहाँ पर भी, और बजरंग दल कार्यकर्ता इसका पूरा बदला लिया जाएगा। कर्नाटक में हिजाब मामले के बाद अब बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में मामला गर्माता जा रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में हिंदू संगठन हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद देश भर में भड़की विरोध की आग कब तक ठंडी हो पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा के साथ गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।